अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। आज मैं आ चुका हूं अपनी न्यू रेसिपी के साथ, जो कि है ब्राउन व्हाइट पुलाव। तो ब्राउन व्हाइट पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ब्राउन व्हाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है आधा किलो ब्राउन, तकरीबन 20 से 25 अदद मैंने ले लिया हरी मिर्ची, 3 से 4 अदद मैंने ले लिए हैं आलू, और 3 अदद नॉर्मल साइज़ की मैंने ले ली है प्याज, 3 चम्मच मैंने ले ली है लहसुन, और तकरीबन आधी गट्ठी मैंने ले ली है करी पत्ते, 1 अदद मैंने लिया है सोया, 1 अदद मैंने लिया है धनिया, तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं, और 1 चम्मच मैंने ले लिया है साबुत ब्लैक पेपर, और 1 किलो मैंने ले लिए है चावल। चावल को मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। तो ये थे मेरे ब्राउन व्हाइट पुलाव बनाने के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, तो आइए मेरे साथ। तो ब्राउन व्हाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने एक डेगची ले ली है, इसके अंदर मैं तकरीबन 4 चम्मच ऑयल ऐड करूँगा, ये वाले। तो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक रखूँगा ताकि मेरा ऑयल गर्म हो जाए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अपने प्याज, प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा क्योंकि वाइट पुलाव है, तो मैं इसको हल्का सा सिर्फ छोटे करूँगा येलो ब्राउन कलर तक। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने अपनी प्याज को भुना है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अपनी लहसुन, लहसुन को भी मैं थोड़ा सा भुनूंगा ताकि ये भी थोड़ी सी सोटे हो जाए कुछ इस तरह से। तो लहसुन ऐड करने के बाद मैं अपने ब्राउन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये भी साथ साथ जो है सोटे हो जाए और मेरी प्याज जो है वो रेड भी ना हो। तो ब्राउन सोटे करने के बाद फ्लेम मैंने इसका मीडियम पे रखा है। तो ब्राउन के 1 मिनट तक भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अपने स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ नमक, नमक के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ब्लैक पेपर, साबुत ब्लैक पेपर, इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ करी पत्ते, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अपने पोटैटो ताकि आलू भी मेरे साथ साथ पक जाए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगा और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगा। फ्लेम मैंने इसका मीडियम ही रखा है। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगा। तो गैस तकरीबन 15 मिनट हो चुकी हैं, अब हम इसको खोल के चेक कर लेंगे हमारे आलू गलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं, अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए और ढक के रख लेंगे। अब मैं इसको ढक के रख रहा हूँ 2-3 मिनट के लिए, फ्लेम मैंने इसका मीडियम पे ही रखा है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के इसके अंदर मैं अपना धनिया और सोया ऐड करूँगा। धनिया और सोया ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर तकरीबन मैं 4 से 5 गिलास पानी ऐड करके इसको ढक के रख लूँगा ताकि मेरे पानी के अंदर जो है वो उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद मैं इसके अंदर अपने चावल ऐड करूँगा। अब मैं इसको ढक के रख रहा हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ताकि मेरे पानी के अंदर उबाल आ जाए। फ्लेम में इसका हाई कर दूंगा। तो गाइस तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के चेक करूंगा।
तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा चावल। तो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको ढक के रख लूँगा ताकि मेरा पानी सूख जाए। पानी सूखने के बाद फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगा। अब मैं इसको दम ढक के रख रहा हूँ। फ्लेम में इसका हाई कर दूँगा और हर दो दो मिनट के बाद चेक करता रहूँगा, मेरा पानी सूख जाएगा, फिर मैं इसको दम पे लगाऊँगा। गैस तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, अब मैं इसको खोल के चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी सूख चुका है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगा। तो दम लगाने के लिए मुझे एक वज़न वाली चीज़ चाहिए ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए और अच्छे से दम हो जाए। फ्लेम में इसका बिल्कुल लो कर दूंगा ताकि अच्छे से दम हो जाए। गैस तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के चेक कर लेता हूँ कि हमारा पुलाव जो है वो दम हुआ कि नहीं। तो मेरा पुलाव चख लेता हूँ थोड़ा सा। फिलहाल मेरा दम हो चुका है, अब मैं आपको डिश आउट के वक्त मिलता हूँ। तो ये है गाइस हमारी डिश का फाइनल लुक। तो ये है गाइस एक यूनिक डिश जो कि बहुत ही इजी है, आप इसको घर में ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की न्यू यूनिक और मज़ेदार सी डिशेस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।